हाय गाइस, कैसे हैं आप? हम भी ठीक हैं। हम जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। ये चिन्नू मेरे साथ है, ये ना बेटी है मेरी, इसका कुछ चेकअप करवाना था। हाय, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, गर्मी लग रही है। हाय चिनू। हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? माई सेल्फ मीना एंड आई एम फ्रॉम कुल्लू। तो ये जो है ये मेरे मम्मा हैं और ये अभी फ़िलहाल तो ये ब्लॉगिंग ही शूट कर रहे हैं। एक्चुअली ये बिगिनर है तो ये सीख रहे हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग। तो हम आपसे मिलते हैं बाद में जब हम पहुंच जाएंगे। मुझे ना प्यास लग रही थी तो मैं पानी पीने चली गई। ये चश्मे का पानी है, बहुत ठंडा होता है। गर्मियों में शाम शाम को हम हर रोज़ पानी लाते हैं पीने के लिए, बहुत मज़ा आता है इसको पीने का। अब मैं दिखाती हूँ आपको आगे का व्यू। ये इसको ना हमारी भाषा में बोलते हैं पाजा, लोकल भाषा में बोलते हैं पाजा, और आगे इनको बोलते हैं केल, केल के पेड़ है ये। और आगे जो इस सामने दिख रहा है ये ना हमारा गांव है। और आगे जाके मुझे ना अपने मामा जी मिले, ये ना बहुत ही ज़्यादा नौटंकी वाले हैं, बहुत ही हंसमुख है। ये हमारे ना गले मिलने का रिवाज है, हमारे इधर का कल्चर ऐसा है। तो हम जा रहे थे, फिर मामा जी बहुत ही मस्त है, अच्छे भी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ये। तो वीडियो बना रही थी बेटी, तो हम चले थे आगे आगे। फिर मैं बुला रही थी बेटी को कि जल्दी आ जा, ये ना थोड़ी सी मस्त हो गई थी वीडियो बनाने में। बीओ भी दिख रहा है आगे को, कितना सुंदर दिख रहा है ये। वो सामने हमारा घर है, हमारा गांव है ये। तो आगे आगे चल रहे थे तो जाके कुछ बातें कर रहे थे मामा जी। पीछे से बेटी बुला रही थी, मम्मी रुको रुको। मैं कहाँ, आ जाओ जल्दी आ जाओ। फिर जाके मौसम कितना अच्छा था, थोड़े से बादल भी थे, तो हमने जाना था हॉस्पिटल, जल्दी भी पहुँचना था। तो तब जाके हम वहाँ पे वेट करने रुकी थी मैं इसका। अब हम पहुँचने वाले हैं, पैदल चलना पड़ता है कुछ टाइम बाद। ये लो जी पहुँच गई ये हॉस्पिटल, कितना सुंदर है। ये हमारे हेल्थ वाले हैं, वो जाके बेंच पर बैठी है चिन्नू। ये ना थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, बोलती बंद हो गई थी इसकी। वो आगे जाके कोई पता नहीं कौन है, तो ये बीओ दिख रहा है, बहुत अच्छा नज़ारा है ये। तो कितना सुंदर है ये, वो दिख रहे हैं पेड़, चील के पेड़ है ये। तो जाके नीचे के लिए ये दिख रहे हैं सेब की फील्ड, और नीचे दिख रहा है बस स्टॉप। बस स्टॉप से इसी थी इधर को। अब जाके चिन्नू जा रही है अंदर। अब दिखाती हूँ आगे, ये मेरे मम्मी जी है रेड वाले जैकेट वाले, ब्लैक जैकेट वाले भाभी जी है जो तीन बैठी है। ये मेरी मामियाँ हैं और ये तीनों ना सॉक्सेस बनाती है बहुत ज़्यादा, बेचने के लिए बहुत ही ज़्यादा बनाती है, और मैं भी बनाती हूँ। और नीचे बैठी है चिन्नू, ये ना फ़ोन छेड़ रही है। तो ये आगे का व्यू है, ये नीचे हरी हरी दिख रही है, ये ना जौ बीजे हैं, और बाकी जो इधर का ये नीचे ये खोदा हुआ है खेत है, ये इसमें काम कर रहे हैं। और मुझे ना ब्लॉगिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। मैं नई नई हूँ, मैं सीख रही हूँ अभी। तो तब जाके मैंने मम्मियों को भी बोला मुझे ना शूट करने दो, मुझे अच्छा लगता है। तो ये शौक से बना रही हैं। अब आ रहे हैं हम घर की ओर। तो रास्ते में ना बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो ये चिन्नू को लाना थोड़ा मुश्किल हो गया था, इसे चला ही नहीं जा रहा था। ऊपर से धूप भी बहुत ज़्यादा थी, तो दिल कर रहा था यहाँ पे कि यहीं पे लेट जाओ,
तो घर पहुंचना था, तो इसलिए फिर थोड़ा सा रेस्ट किया हमने। मैं कहा आगे आगे जाते थोड़े धीरे धीरे से, तो इसको पहुंचाना मुश्किल हो रहा था मेरे को। जा रहे हैं घर की ओर। रास्ता थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है चलने के लिए, बट सीधा है। तो पीछे से चिन्नू भी चली है आराम आराम से, इसके साथ दूसरी लड़की भी है, छोटी है इसे, ये 5th में पढ़ती है। इसकी दूसरी बहन भी है, वो शायद 6th में पढ़ती है। पीछे से इनकी मम्मा भी आ रही हैं, साथ में बेटा भी है, और बेटे को पीठ में उठाया है। बेटा ज़िद कर रहा था कि मुझे ना मम्मा पीठ में उठाओ, रो रहा था, थक गया था बेचारा ना। तब जाके इसकी मम्मा ने इसको पीठ में उठाया, और फिर हम सब चले हैं साथ, चले हैं घर की ओर, चले हैं साथ। थक गए रास्ते में, बहुत ज़्यादा थक गए थे, चलने चलने के लिए बहुत ज़्यादा दूर है। तो इस तरह से फिर हमें घर भी पहुंचना है, घर में बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, शाम को खाना भी बनाना होता है। तो तब फिर जल्दी भी लगी थी। और आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।